Hello everyone, we will read the chapter Nasruddin Aim for the student of class 4. So let us start the chapter. One day Nasruddin was chatting with his friend. तो एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहा था. चैटिंग मीन्स होता है बातचीत करना. ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्करी. तो उसने डींगे हाँकना शुरू कर दिया. बूस्ट मीन्स होता है कि डींगे हाँकना या फिर अपनी ही बड़ाई करना. तो उसने डींगे हाँकना शुरू कर दिया कि आर्करी में यानी धनुर्विद्या में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. और उसने कहा कि मैं अपना तीर लेता हूँ, अपना कमान लेता हूँ, उसके बाद मैं एरो को हिट करता हूँ. वो द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. और जो मेरा तीर है वो हमेशा लक्ष्य पर जाकर ही लगता है, यानी निशाने पर लगता है. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमिडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरो. और ये सुनते ही उसमें से एक जो उसका दोस्त होता है वो जाता है, तीर और कमान ले आता है. गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. और कहता है, लो नसरुद्दीन तीर लो और कमान लो. देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेट एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. और बोलता है, लो तीर कमान से इस निशाने पर अपना तीर जो है वो लगाओ. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रॉन्ग इट, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. तो नसरुद्दीन बाढ़ को और तीर को अपने हाथ में, तीर को और धनुष को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद जो है अपने टारगेट पर निशाना लगाता है. वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट, पर जो एरो है वो निशाने पर जाकर नहीं लगता. इंस्टेड इट फेल समवेयर इन द मिडिल, बल्कि कहीं पर मिडिल में ही, बीच में ही गिर जाता है. हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. और उसके जो फ्रेंड्स हैं सभी हंसने लगते हैं. दे सेड, हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट टीम. बोलते हैं, नसरुद्दीन यही तुम्हारा सबसे बेस्ट टीम था? ओ नो, नॉट एट ऑल, चैन नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ. तो नसरुद्दीन अपने आप को बचाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरा एम नहीं था. दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाद एम. ये मेरा एम तो नहीं था, ये तो आजाद का एम था. आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो. मैं तो तुम्हें बस दिखा रहा था कि आजाद कैसे एरो हिट करता है. सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठा लिया. वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम द टारगेट एंड शूट द एरो. फिर एक बार उसने क्या किया, अपना धनुष लिया और उससे तीर मारा और निशाने पर तीर मारा. दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर. और इस टाइम भी जो उसका तीर होता है वो जहाँ पहले गिरा होता है उससे थोड़ा ही आगे जाके गिर जाता है. बट इट सर्टेनली डिडन हिट द टारगेट. दे आज नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. फिर इस बार भी तुम्हारा जो तीर था वो निशाने पे नहीं लगा, ये ऐसे ही तुम हिट करते हो नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, इट वाज अ चीफ गार्ड एम. तो नसरुद्दीन बोलता है, नहीं नहीं, ये भी मेरा एम नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का एम था. नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. तो उसमें से फिर कोई बोलता है कि अच्छा, तो अब बताओ, अब तुम्हारी लिस्ट में नेक्स्ट कौन है, अब तीसरा तुम किसका निशाना हमें दिखाने वाले हो. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग. और ये सुनते हुए उसके सारे जो फ्रेंड्स थे हंसने लगते हैं. क्यों हंसने लगते हैं, भाई उसने पहला तीर मारा वो भी निशाने पे नहीं लगा, तो उसने कह दिया ये तो आजाद का एम था, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था. फिर दूसरा तीर हिट करता है वो भी नहीं लगता जाके निशाने पे, तो बहाना बना देता है ये तो चीफ गार्ड का एम था. तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, अच्छा बता दो तीसरा कौन है. तो ये सुनकर सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, लेकिन नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा. ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने फिर से एक तीर उठाया. एंड अगेन, और फिर से. एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. पर इस टाइम नसरुद्दीन सच में लकी था, जो उसका एरो था सीधे निशाने पर जाकर लगता है. एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट. और जितने उसके फ्रेंड्स होते हैं सभी घूरते रहते हैं नसरुद्दीन को, और सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह जाते हैं कि भाई अब तक तो नसरुद्दीन का एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा था, कैसे ये वाला निशाने पर लग गया.
Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो किसी के कुछ भी कहने से पहले नसरुद्दीन बहुत अकड़ कर विजय भाव से, जैसे जीतने के बाद जो खुशी होती है उसी भाव में बोलता है, क्या तुमने देखा, ये मेरा एम था। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि आपकी जो तीर था वो निशाने पे लग गया, बाई लक। तो उसने कहा, अपने फ्रेंड्स को मोर बनाया, कहा कि ये मेरा एम था। यहाँ पर आपकी स्टोरी जो है वो फिनिश हो गई है। अब देखिए इस स्टोरी में जो न्यू वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। चैटिंग मीन्स क्या होता है? चैटिंग मीन्स होता है बातचीत करना। आर्करी मीन्स होता है धनुर्विद्या। स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा या फिर डोर। टारगेट मीन्स निशाना। डिफेंडिंग मीन्स बचाव करना। अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य। ट्रिम्फेंटली मीन्स होता है विजयी भाव से। अब देखिए रीडिंग इस वन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट? नसरुद्दीन ने किसके बारे में बूस्ट किया था? तो आंसर होगा, नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल इन आर्करी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? तो आंसर होगा, नसरुद्दीन took someone else's name each time he missed the target so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target. The third question is, why did Nasruddin say it was my aim the third time? So iska answer hoga, Nasruddin said it was my aim the third time because this time the arrow had hit the target accurately. And the fourth question is, do you think Nasruddin was good at archery? क्या तुम्हें लगता है नसरुद्दीन आर्करी में गुड था? तो नहीं ना, तो आंसर होगा नो, आई डू नॉट थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्करी, इंस्टेड ही वॉज गुड एट बी फूलिंग अदर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है, आपकी पहली एक्सरसाइज है मैचिंग। तो आप चैटिंग को किससे मैच करोगे? टॉक इनफॉर्मली। अमेजमेंट को मैच करोगे ग्रेट सरप्राइज। आर्करी शूटिंग विद अ बो एंड एरो। डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट का होगा द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। एंड द लास्ट इज ट्रायम्फेंटली का होगा हैप्पीली एंड प्राउडली। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ब्लैक से थोड़े बड़े लेटर में लिखा गया है ना कि इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट के प्लेस पर आपको लिखना है टारगेट। और सेकंड है, नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्कर, श्योरली की जगह होगा सर्टेनली। एंड थर्ड इज सेट समथिंग अबाउट की प्लेस पर होगा रिमार्क ऑन, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए जो चार्ट बना हुआ है, नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विद, वेयर यू प्ले इट, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो क्रिकेट में क्रिकेट आप किसके साथ खेलते हो? बैट बॉल, तो यहाँ भरेंगे बैट बॉल। स्टेडियम में खेलते हैं और कितने प्लेयर होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स में आ जाएंगे, यहाँ भरेंगे 11। हॉकी हम खेलते हैं स्टिक के साथ, ग्राउंड में खेलते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस हम रैकेट के साथ खेलते हैं, टेबल पर खेलते हैं, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 2-4। एंड फुटबॉल हम फुटबॉल के साथ खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं। अब देखिए, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस आपके लिए लिखा गया है, जैसे कि क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद द बैट एंड बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो इसी तरह आप फुटबॉल के बारे में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। इसी तरह सी वाले में लिखते हैं टेबल टेनिस के बारे में, टेबल टेनिस इज एन इनडोर गेम, है ना, वी प्ले इट ऑन अ टेबल विद अ रैकेट, देयर आर 2-4 प्लेयर्स इन दिस गेम।
अब डी में हम भर देते हैं हॉकी के बारे में. हॉकी इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल. वी प्ले इट इन अ स्टेडियम. देयर आर 11 प्लेयर इन दिस गेम. देखिए थर्ड है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन अ वेरियस स्पोर्ट. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज इन. तो यहाँ पर है गुगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर. तो यहाँ पर जो आपके गेम हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो इनसे जो रिलेटेड वर्ड है हमें वो भरने हैं कि इनमें कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं. देखिए जितनी भी पॉसिबल एक्सरसाइज थी वो सारी फिल हो गई है और आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. तो आप ये सारा वर्क जो मैंने एक्सरसाइज में करा है सारा बुक में फिल कर लीजिए. क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स अपने कॉपी में लिख लीजिए और चैप्टर को फिर से रीडिंग करिए, क्योंकि आप लोग की रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है ना, अच्छे से वर्ड आप लोग रीड नहीं कर पाते. तो आप एक चैप्टर को कम से कम दो बार रीड करिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें बार बार विद स्पेलिंग लर्न करिए और सारा कुछ फेयर कॉपी में नोट करिए और एक्सरसाइज आप बुक में फिल करिए. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बाय बाय. और नेक्स्ट चैप्टर में अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. Thank you.